एवरीवन, मैं हूँ ट्विंकल ब्रम्बर। मैं एक क्लिनिकल काउंसिलर और साइकोथेरापिस्ट हूँ। सबसे पहले तो इस महिला दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस महिला दिन पे मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि चूज टू चैलेंज योर सेल्फ। नारी सशक्तिकरण या समाज में रहे स्त्री पुरुष के भेदभाव की जब बात आती है तो ये समस्याएं हम तब तक नहीं बदल सकते जब तक हर एक स्त्री अपने अंदर झांक कर अपने अंदर परिवर्तन न ला पाए, तब तक ये बदलाव लाना संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो जेंडर बायसिस है ये सब सामाजिक कारणों से ही पैदा हुआ है, लेकिन इसका उत्तर समाज के पास नहीं है और ना ही सिर्फ राजनीतिक कायदे कानून लगाने से भी इस समस्या का समाधान आना संभव हो पाएगा। जब भी हम चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी चुनौतियाँ जो होती है, हम अपनी तकलीफें होती है, उनका उनका सॉल्यूशन बाहर की ओर ढूंढते हैं, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में हम ढूंढते हैं। पर अब मैं ये बात कर रही हूँ कि हमें भी पता है कि महिलाएं जो है वो कितनी चैलेंजेस का सामना करती है, लेकिन इस चैलेंजेस का अगर सामना करना है तो उसके लिए हर एक स्त्री को अपने अंदर झांकना है। क्यों अपने अंदर झांकना है कि सबसे पहले तो अपनी चैलेंजेस को समझो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है तो हाँ एक चैलेंज है, एक चुनौती है। पहले तो उसको समझो कि ये तकलीफ है। कई बार ऐसा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है लेकिन कई सारी महिलाएं उसको भी बहुत नॉर्मली या लाइटली ले लेती हैं। तो सबसे पहले तो अपने चैलेंजेस को समझो, या एक जेंडर बायस हो सकता है या फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हरेसमेंट है, इन सब के बारे में समझो और उसको पहले एक्सेप्ट करो। जब बात चैलेंजेस की आती है तो चैलेंज कीजिए कि अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कीजिए, अपने लिमिटेशंस को चैलेंज कीजिए और अपने अंदर रहे फियर्स को चैलेंज कीजिए। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि जेंडर बायस है या नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ही कौन सी बिलीफ सिस्टम है, हमारी खुद की क्या मान्यताएं हैं, हमारे अंदर कौन सी इनसिक्योरिटीज है कि जिसकी वजह से हम अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हम अपने आप के लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं। और हम फिर क्या करते हैं कि हम बाहर की ओर से अपेक्षा करते हैं कि समाज में परिवर्तन आ जाए, लोगों में परिवर्तन आ जाए और हमारी तकलीफ दूर हो जाए, जो बिल्कुल संभव ही नहीं है। खुद की बिलीफ सिस्टम को क्यों देखना है या फिर खुद की मान्यताओं के बारे में क्यों सोचना है? क्योंकि कहीं ना कहीं पे क्या हम कभी भी जब अपने बारे में सोचते हैं तो क्या हम खुद को एज अ ह्यूमन एक्सेप्ट करते हैं, हम खुद को एज अ ह्यूमन देखते हैं, या फिर सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक वुमेन हूँ और उसकी वजह से ही मुझे ये करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सी कॉमन चीज़ें होती है कि घर की जिम्मेदारी तो सिर्फ महिलाओं की होती है, चाहे वो फिर वर्किंग वुमेन भी हो, वो बाहर का काम करे, लेकिन घर की जिम्मेदारी, घर के काम तो सिर्फ वही करेगी। या जो खाना बनाने का काम है तो सिर्फ वो काम महिलाओं का ही होता है, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे या सामाजिक लेवल पे भी जो हम सारी चैलेंजेस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी खुद की ही कुछ मान्यताएं होती है। जब तक हम खुद को ही एज अ वीमन पहले रखेंगे, जब हम खुद को ही ऐसा बोलेंगे क्योंकि मैं एक औरत हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक औरत हूँ इसलिए हम खुद को अपने आप को पहले से ही कमज़ोर मानते हैं, हम खुद की वर्थ जो है, हम खुद की जो स्ट्रेंथ है, हम उसको ही नहीं देख पाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी बात आती है कुछ बदलाव लाने की तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। नारी सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि हमें ऊपर उठने के लिए, हमें आगे आने के लिए किसी और को नीचा दिखाना है। जब हम जेंडर बायस की बात करते हैं, कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम अपने बारे में हमारी खुद की क्या सोच है, या फिर हम अपने बारे में अपने ही कुछ सेल्फ जो सेंटेंस होते हैं खुद के दिमाग में जो हम बात करते हैं, वो क्या होता है कि मैं एक औरत हूँ तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो मतलब कि जेंडर बायस शुरू तो अपनी ही सोच से हो जाता है, क्योंकि हम पहले तो खुद को एज अ ह्यूमन एक्सेप्ट ही नहीं करते, पहले हम खुद को एज अ ह्यूमन इंडिविजुअल बोलते ही नहीं है। हमारे अंदर ही वो बायस आ जाता है कि मैं एक औरत हूँ और वो एक मर्द है, मैं एक वुमेन हूँ वो एक मैन है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मैं एक इंसान हूँ और वो सामने वाला भी एक इंसान है। जब तक हम अपनी सोच में, अपने ही बातों में, हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसमें ही बदलाव नहीं ला पाएंगे, तब तक हम कितना भी बाहर की और तब तक हम कितना भी एक्सटर्नल लोगों को ब्लेम करें या लोगों से अपेक्षा रखें या समाज से अपेक्षा रखें कि
समाज ये सब चीजें बदलने में हमारी मदद करे, समाज में ही परिवर्तन आ जाए, तब तक ये सब चीजें संभव नहीं हो सकती है। एक मशहूर फिलोसोफर जिद्दू कृष्णमूर्ति ने भी कहा है कि अगर हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले इंसान को खुद को बदलना होगा। ऐसा नहीं होता कि समाज को बदलने से इंसान में परिवर्तन आएगा, बल्कि एक इंसान पूरे समाज को बदल पाएगा, और इसीलिए इसी तरीके से समाज का परिवर्तन होना संभव है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर हमें ये सब चैलेंजेस का सामना करना है तो उसके लिए हम महिलाओं को ही अपने अंदर की ये जो सोच है, अपने अंदर की ये जो लिमिटेशंस है और हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ या हमारी ये मर्यादाएं है या हमारे अंदर जो ये डर है, उसको ही पहले तो पहचानने की ज़रूरत है और हमें उसको दूर करने की ज़रूरत है। अगर हम सही मायने में अपने अंदर की रही ये बिलीफ सिस्टम या ये डर को अगर हम दूर करने में सफल हो जाएंगे, तो हम सही मायनों में ये नारी सशक्तिकरण या जेंडर इक्वालिटी में भी सफल हो सकते हैं। स्त्री इस दुनिया की सबसे सुंदर और मजबूत रचना है, और हम महिलाओं को अपनी यही अपने अंदर रही इसी शक्ति की कीमत करनी है और उसको देखना है। याद रखिए, आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सो अगेन, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।